नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवाह साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। देश में अपराध हर रोज होते हैं, लेकिन कुछ वारदातें ऐसी होती हैं जो सालों तक याद की जाती हैं। एक ऐसा ही केस है मशहूर मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड। जेसिका लाल के कत्ल की वारदात और इसके बाद उस केस की तफ्तीश और सुनवाई अपने आप में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह थे। कत्ल की वारदात जिसमें किरदार दर किरदार पलटते रहे, बयान दर बयान बदलते रहे। जेसिका लाल केस इतना चर्चित रहा कि इस पर फिल्म भी बन चुकी है। हमारी चेतना में जेसिका लाल के साथ हत्याकांड इतनी शिद्दत के साथ जुड़ा है जो बताता है कि एक मौत किस कदर तमाशा बन सकती है। जेसिका की जिंदगी, उसकी मौत और फिर उसे मारने वाले मनु शर्मा और सिद्धार्थ वशिष्ठ से जुड़ी कोई भी बात होती है खबर बन जाती है, और जब बात जिंदगी लेने वाले की रिहाई से जुड़ी हो तो घटना की गंभीरता के लिहाज से इतिहास के पन्ने टटोलना वक्त की मजबूरी भी है और जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत में जरूरी भी। जेसिका लाल हत्याकांड कई सालों तक काफ़ी सुर्खियों में रहा। एक बार फिर से यह मामले सुर्खियों में है जब दोषी मनु शर्मा की रिहाई की खबरें सामने आई और 21 साल पुराना यह केस सुर्खियों में आ गया। जेसिका लाल हत्याकांड क्या है, कैसे कैसे चला, क्या क्या मोड़ आए, कोई असरदार आदमी होता है तो वह कानून का किस कदर फायदा उठाता है, कैसे वह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, कैसे गवाहों को खरीद लिया जाता है और गवाह मुकर जाते हैं, फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर तक खरीद लिए गए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन लाइन बदल दी, यह सारी चीज़ जेसिका लाल मर्डर केस में हुई। आज इस केस की पूरी कहानी बताते हैं। इस केस की कहानी शुरू हुई थी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से जहां एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। 29 अप्रैल 1999 को महरौली स्थित टेमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में सोशलाइट बीना रमानी ने पार्टी दी थी। इसमें राजधानी की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। डांस फ्लोर पर नौजवान लड़के लड़कियाँ थिरक रहे थे, शराब के जाम छलक रहे थे, लेकिन डांस फ्लोर पर थिरकते रईस जादों और शराब के जाम छलका रही पेज थ्री सेलिब्रिटी आने वाले खतरे से बेखबर थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उस रात के बाद टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में फिर कभी कोई पार्टी ही नहीं होगी। इस पार्टी में जेसिका लाल भी मौजूद थी और साथ ही मौजूद था मनु शर्मा। रात के 2 बज रहे थे, पार्टी में शराब सर्व होने का टाइम खत्म हो चुका था। तभी मनु शर्मा ने जेसिका लाल से शराब की मांग की। जेसिका ने मना कर दिया। नाराज मनु शर्मा ने अपने पिस्टल से फायरिंग की। पहली गोली हवा में और दूसरी जेसिका को लगी। इसके बाद मनु अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया। मनु शर्मा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री रहे विनोद शर्मा का पुत्र है। विनोद शर्मा और मनु शर्मा की रिश्तेदारी पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से है। विनोद शर्मा पिकेडली नामक 5 सितारा होटल चेन चलाते हैं। मनु शर्मा के बड़े भाई कार्तिक के शर्मा न्यूज एक्स इंडिया न्यूज नाम के चैनल चलाते हैं। उस रात मनु शर्मा के साथ वहां पर कुछ दोस्त भी मौजूद थे जिसमें विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल थे। विकास यादव उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव के बेटे हैं। नो वन किल्ड जेसिका। लोअर कोर्ट में फॉरेंसिक में 2 पिस्टल की थ्योरी सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि मनु शर्मा के पिस्टल से लगी गोली छत पर लगी और दूसरे पिस्टल से चली गोली जेसिका लाल को लगी। इसके अलावा गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। एक गवाह श्रेयान मुंशी ने तो कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि पुलिस ने मुझसे कुछ भी बयान लिखवा लिया और मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोअर कोर्ट ने मनु शर्मा और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लोअर कोर्ट ने उस वक्त कहा कि सभी को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी किया जाता है। ये केस एक पहेली बनकर रह जाती अगर जनता अन्याय के खिलाफ सड़कों पर नहीं आती और मीडिया इस मामले में लगातार पुलिस की तफ्तीश को कटघरे में खड़ा नहीं करती। जनता और मीडिया ने निभाया अहम रोल।
लोअर कोर्ट से सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद मीडिया के ओवी वैन दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लग चुके थे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की हेडलाइन थी, नो वन किल्ड जेसिका। इस हेडलाइन ने उस वक्त हंगामा मचा दिया। मीडिया चैनलों और समाचार पत्रों ने पुनः मुकदमे को चलाने के आग्रह वाले 2 लाख से अधिक सेलफोन संदेश प्राप्त किए और दिखाए। जनता का दबाव बढ़ रहा था और समाचार पत्र सुर्खियां जैसे कि किसी ने जेसिका को नहीं मारा लिख रहे थे और टीवी चैनल पर SMS पोल चल रहे थे। कई मॉडल, फैशन डिजाइनर, जेसिका के दोस्त, रिश्तेदार और अन्य लोगों ने दिल्ली में इंडिया गेट फैसले के विरोध में मोमबत्ती की रोशनी में प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसके बाद एक और बड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की गई। साथ ही उन्होंने एक सप्ताह लंबे विशेष टी शर्ट जिसमें नारा लिखा था, हम जेसिका लाल हत्याकांड की पुनर्जांच की समर्थन करते हैं, सच को बाहर आने दें अभियान को मनु शर्मा के गृहनगर चंडीगढ़ में चलाया गया। चंडीगढ़ सैकड़ों छात्रों, MNC में काम करने वाले के साथ सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और IAS अधिकारियों ने विरोध में भाग लिया। इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में अगर किसी ने प्रमुख भूमिका निभाई तो वह tahalka.com था, जिसने कोर्ट में मुकरे गवाहों का स्टिंग 9 सितंबर 2006 को दिखाया। कुछ भी बयान करिए आप लोग। मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने और उम्मीद यही रख रहा हूँ कि ये फिल्म मैं कर पाऊँ आपके साथ, क्योंकि अभी अल्लाह चाहे तो। इसके बाद मनु शर्मा के पिता कांग्रेस नेता विनोद शर्मा को 6 अक्टूबर 2006 को हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ा था। मीडिया और पब्लिक ने शोर मचाया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस का रिट्रायल शुरू करते हुए केवल 25 दिनों में सुनवाई पूरी कर हरियाणा के ताकतवर नेता के पुत्र और उसके साथियों को दोषी करार देते हुए मीडिया द्वारा उठाए सवाल का जवाब भी देश को न्याय के जरिए दिया कि हु हैज किल्ड जेसिका। जेसिका लाल मर्डर केस की कहानी को तारीख दर तारीख के अनुसार सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। 29 अप्रैल 1999 के दरमियान रात को साउथ दिल्ली के टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में पार्टी में जेसिका की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 30 अप्रैल 1999 अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया कि जेसिका को अस्पताल में मृत लाया गया था। 2 मई 1999 मनु शर्मा के टाटा सफारी को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से बरामद किया। 6 मई 1999 चंडीगढ़ की एक अदालत के सामने मनु शर्मा ने सरेंडर किया। इसके बाद यूपी के नेता DP यादव के बेटे विकास यादव सहित 10 सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। 3 अगस्त 1999 IPC की विभिन्न धाराओं के तहत जेसिका मर्डर केस में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 31 जनवरी 2000 मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया। 23 नवंबर 2000 सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। एक आरोपी अमित झिंगन बड़ी और रविंदर उर्फ टीटू को भगोड़ा घोषित किया गया। 2 मई 2001 कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की और चश्मदीद गवाह दीपक भोजवानी ने गवाही दी। 3 मई 2001 चश्मदीद गवाह श्यान मुंशी अपने बयान से मुकर गया। कोर्ट में उसने मनु की शिनाख्त नहीं की। इसके बाद गवाहों के अपने बयान से मुकरने का सिलसिला सिलसिलेवार ढंग से चलता ही गया। 5 मई 2001 कुतुब कॉलोनेड में इलेक्ट्रीशियन एक अन्य चश्मदीद शिवदास भी अपने बयान से मुकर गया। 16 मई 2001 तीसरा प्रमुख गवाह करण राजपूत भी अपने बयान से मुकर गया। 6 जुलाई 2001 को एक गवाह मालिनी रमानी ने मनु शर्मा की शिनाख्त की। 12 अक्टूबर 2001 रेस्टोरेंट और बार मालकिन बीना रमानी ने भी मनु की शिनाख्त की। 17 अक्टूबर 2001 बीना के पति जॉर्ज मेलहोत ने गवाही दी और मनु शर्मा की शिनाख्त हुई। 20 जुलाई 2004 विवादास्पद जांच अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने गवाही दी। 21 फरवरी 2006 लोअर कोर्ट ने शख्स के अभाव में सभी 9 अभियुक्तों को बरी किया। 13 मार्च 2006
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। 3 अक्टूबर 2006 हाई कोर्ट ने इस अपील पर नियमित आधार पर सुनवाई शुरू की। 29 नवंबर 2006 हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 18 दिसंबर 2006 हाई कोर्ट ने मनु शर्मा, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल उर्फ टोनी को दोषी करार दिया। आलोक खन्ना, विकास गिल, हरविंदर सिंह चोपड़ा, राजा चोपड़ा, श्याम सुंदर शर्मा और योगराज सिंह बरी हो गए। 20 दिसंबर 2006 हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सह अभियुक्त अमरदीप सिंह गिल और विकास यादव को 4 साल की जेल की सजा और 3,000 का जुर्माना लगाया गया। 2 फरवरी 2007 मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 8 मार्च 2007 सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की अपील स्वीकार की। 27 नवंबर 2007 सुप्रीम कोर्ट ने मनु की जमानत की दलील खारिज की। 12 मई 2008 सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की जमानत याचिका फिर से खारिज की। 24 सितंबर 2009 मनु शर्मा को पैरोल मिल गई, उसे 1 महीने के लिए छोड़ा गया। ये पैरोल मनु शर्मा को उसकी दादी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए दी गई थी। बाद में उसके आवेदन पर दिल्ली सरकार ने पैरोल की अवधि 1 महीना और बढ़ा दी, लेकिन इसी दौरान मनु शर्मा दिल्ली के डिस्कोथेक में देखा गया। ये खबर मीडिया में छा गई। मनु ने पैरोल नियमों को तोड़ा तो दिल्ली सरकार की काफ़ी फजीहत हुई। 19 अप्रैल 2010 फिर से मनु शर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। वर्ष 2018 में सबरीना लाल ने कहा था कि उसने मनु शर्मा को माफ़ कर दिया है और अगर उसे रिहा कर दिया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। 2 जून 2020 अच्छे व्यवहार के आधार पर मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। 2014 में पढ़ाई के लिए मिली पैरोल। जेल में सजा काट रहे मनु शर्मा ने मानवाधिकार की पढ़ाई की। उसने मास्टर डिग्री हासिल की थी। परीक्षा के लिए दिसंबर 2014 में उसे पैरोल मिली थी। दरअसल मनु जेल में कैदियों को पेंटिंग सिखाता था, कैदियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता था, इसी आधार पर उसे पैरोल मिली थी। जेल में रहते हुए रचाई शादी। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को भी शादी करने की छूट प्रदान की। इसी के तहत मनु शर्मा ने भी जेल में रहते हुए शादी रचाई। अप्रैल 2015 में मनु को शादी के लिए पैरोल मिली थी। 22 अप्रैल 2015 को चंडीगढ़ में उसकी शादी हुई। ओपन जेल में रह रहा था मनु। भारत में ओपन जेल यानी खुली जेल की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। ओपन जेल एक ऐसी जेल व्यवस्था होती है जहां रहने वाले कैदियों को दिन के समय बाहर काम पर जाने दिया जाता है और रात होते ही वे सब वापस लौट आते हैं। भारत में पहली ओपन जेल वर्ष 1905 के दौरान मुंबई में खोली गई थी, तभी से भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। मनु शर्मा 2017 से ही ओपन जेल में रह रहा था। उसे ओपन जेल में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक जेल से बाहर जाने की इजाज़त थी। इस दौरान मनु साउथ दिल्ली स्थित अपने दफ्तर भी जाया करता था। 2016 तक तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर रहे सुनील गुप्ता के मुताबिक 2015 में अच्छे व्यवहार की वजह से ही उसे पहले सेमी ओपन जेल में भेजा गया था, जिसमें जेल कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करना होता था। मनु के जिम्मे जेल की दुकानों का हिसाब किताब देखना होता था। शर्मा का रसूख। 2010 में तिहाड़ से 4 किलोमीटर के करीब की होटल को विनोद शर्मा खरीद लेते हैं। सुनील गुप्ता ने ब्लैक वारंट किताब में लिखा कि इस होटल में तिहाड़ जेल के जेलर से लेकर 50 स्टाफ के बच्चों, रिश्तेदारों को इसमें नौकरी दी गई। जब भी कोई गेस्ट तिहाड़ जेल में आता तो खाना पिकेडली से ही आता। सुनील गुप्ता अपनी किताब में तिहाड़ जेल की घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि डीजी और आईजी साथ में सोफे पर मनु शर्मा ऐसे बैठा है जैसे असली जेलर वह है और वहीं से बैठे वो खाना ऑर्डर कर रहा है। दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड। दिल्ली सजा समीक्षा बोर्ड ऐसे कैदियों की समीक्षा करता है जिसके जेल के अंदर चाल चलन अच्छे हैं। जेल प्रशासन उनके बारे में अनुशंसा करती है। विक्टिम या उसकी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो एसआरबी के पास ऐसे कैदियों को रिहा करने का अधिकार है। इस बोर्ड के पास तिहाड़ जेल की अर्जी आई, उससे पहले 5 बार आ चुकी थी अर्जी। मनु शर्मा की रिहाई की अर्जी जो हर बार रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन 6ठी बार इस अर्जी पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में 11 मई की बैठक में 22 लोगों को रिहा करने का फैसला लिया गया। मनु शर्मा की रिहाई की आखिरी बाधा को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दूर करते हुए इस पर मुहर लगा दी। सबरीना के बयान ने निभाया अहम रोल।
जेसिका के इंसाफ की जंग में अहम रोल निभाने वाली उसकी बहन सबरीना लाल ने साल 2018 में दिल्ली की तिहाड़ जेल के वेलफेयर ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि उन्हें मनु शर्मा की रिहाई में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैं ईसाई हूँ और माफ़ करने में यकीन रखती हूँ। मेरी माँ ने मनु को 1999 में ही माफ़ कर दिया होता अगर उसने खुद माफ़ी मांगी होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी ज़िंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना होता है। मैं विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं लेना चाहती। इन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। आज़ादी लेकिन शर्तें लागू। रिहा किए गए कैदियों से 20 साल का एक बॉन्ड भरवाया जाता है। 20 साल तक किसी दूसरे अपराध में संलिप्त होने पर यह सज़ा माफी खत्म हो जाती है, लेकिन इस बॉन्ड की अवधि पूरे टाइमलाइन के अनुरूप होती है। यानी मनु शर्मा के केस में देखें तो 17 साल 3 महीने वो जेल में काट चुका है। बाकी के 3 साल मतलब इस बॉन्ड की मियाद 6 मई 2023 को ख़त्म होगी। तो आज के लिए दे इजाजत, और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।